नेक्स्ट है बीटा डिके। देखो बीटा डिके तब होता है जब एक न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है किसी न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स, किसी न्यूक्लियस के पास जो न्यूट्रॉन्स हैं, चलो पहले न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा बन गए, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटा, न्यूक्लियॉन्स थे तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की अमाउंट बहुत बन गई, प्रोटॉन्स की बहुत कम है, तो एन और जेड रेशियो खराब हो गई, स्टेबिलिटी खराब हो गई, तो वो न्यूक्लियस और टूटेगा फर्दर न्यूक्लियाई में और अपने न्यूट्रॉन को क्या करेगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेगा। जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें न्यूट्रॉन कम आएंगे, प्रोटॉन ज्यादा दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसे, तो यही कह रहा है कि बीटा डीके के अंदर या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। कैसे, जो न्यूक्लियस बना नया, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है उसमें प्रोटॉन से, तो फिर टूटेगा और न्यूट्रॉन्स को कम करते हुए प्रोटॉन्स को बढ़ा लेगा, और अगर प्रोटॉन ज्यादा हुए न्यूट्रॉन से तो फिर टूटेगा, प्रोटॉन्स को कम करके न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही तो बोल रहे हैं कि या तो बीटा डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। नॉर्मली नहीं होता, अनस्टेबल न्यूक्लियाई के साथ होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ताकि वो ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि जो नए न्यूक्लियस बने वो स्टेबल बने। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, जब एक न्यूक्लियस टूटा और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए, तो क्या रिएक्शन होता है, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन को बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं, या बीटा पार्टिकल बोलते हैं, या बीटा माइनस पार्टिकल बोलते हैं, बीटा नेगेटिव। तो जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ में एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का पार्टिकल का ना तो मास होता है और ना ही चार्ज होता है, बस दिखाने के लिए रख दिया, इसमें यूज हमने कुछ करना नहीं। तो इसके अंदर ये आपका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर बता दिया एंटी न्यूट्रिनो इज सपोज टू हैव जीरो रेस्ट मास, फोटोन की तरह, और चार्जलेस है, और इसका कुछ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ है, जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं हमें इसकी। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है बीटा नेगेटिव पार्टिकल का, बीटा माइनस डीके क्या होता है, बीटा माइनस डीके में क्या बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो मान लो एक्स एटम है कोई, एक्स एटम में से बीटा नेगेटिव हो गया, बीटा नेगेटिव डीके में यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई जीरो माइनस वन। तो जो वाई निकलेगा उसके एटॉमिक मास नंबर में कोई फर्क ना, ए और ए ए ही रहेगा, लेकिन जेड जो है वो क्या हो जाएगा, जेड प्लस वन हो जाएगा। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल में ए की वैल्यू रिमेन सेम और जेड इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ वन, ये याद रखना है। वो सीधा बोलेगा बीटा नेगेटिव डीके करके दिखाओ, तो बीटा नेगेटिव का मतलब ये करके दिखाओ, ई जीरो माइनस वन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसके अंदर उल्टा काम भी हो सकता है, उल्टा काम मतलब पहले हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो फिर ई प्लस ई माइनस ही निकलेगा, ई प्लस निकलेगा। ई प्लस को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब होता है ई जीरो प्लस वन, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ई जीरो माइनस वन। ई जीरो माइनस वन को बीटा नेगेटिव बोलते हैं, इसको बीटा पॉजिटिव बोलते हैं। ई प्लस या बीटा पॉजिटिव एक ही बात है। और एक और पार्टिकल साथ निकलता है, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं, इसका कोई चार्ज और मास होता नहीं, तो कोई चक्कर नहीं इसका। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो पॉजिट्रॉन निकलेगा ई जीरो माइनस प्लस वन, और एक और पार्टिकल न्यूट्रिनो निकलेगा। तो जैसे आपको न्यूमेरिकल आएगा कि मान लो बीटा पॉजिटिव डीके करके दिखाओ, आपको एक्स एलिमेंट देगा ए जेड, वो कहेगा बीटा पॉजिटिव डीके हो गया, बीटा पॉजिटिव में आपने बाहर क्या निकालना है, ई जीरो प्लस वन, बीटा नेगेटिव में क्या निकालना था, ई जीरो माइनस वन, ई जीरो प्लस वन। तो ए में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जेड जो है इट विल बी डिक्रीज बाय अ वैल्यू ऑफ वन। बीटा नेगेटिव में प्लस वन होता है, बीटा नेगेटिव प्लस में माइनस वन होता है। बस ये याद रख लो ना, इक्वेशन अपना बैलेंस हो जाएगी, ई जीरो प्लस वन, ई जीरो माइनस वन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे करना है बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। तो जब रेडियो एक्टिविटी होगी तो या तो क्या निकलेगा अल्फा, हमने कर लिया, या क्या निकलेगा बीटा नेगेटिव ई जीरो माइनस वन, या क्या निकलेगा बीटा पॉजिटिव ई जीरो प्लस वन। पता नहीं क्या पूछेगा, वो पेपर में देगा आपको कि क्या निकालना है,
अगर ये क्वेश्चन आया तो।